सो हे गाइज व्हाट्सअप आई एम गनेट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज की जो फोटो एडिटिंग होने वाली है हमारी पबजी के ऊपर, तो गाइज बिना किसी रुकावट के वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो गाइज पहले आपको इस बैकग्राउंड को ओपन करना है, ठीक है, एंड एडवर्ट हम जाके आपको अपने मॉडल को ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड गाइज मॉडल का बैकग्राउंड पहले से ही रेज है, तो गाइज जिसको बैकग्राउंड रेज करना नहीं आता उसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है, जाके उस वीडियो को देखिए। एंड गाइज बैकग्राउंड को आप सिंपली रेज कर सकते हो। तो गाइज आप सभी को करना क्या, पहले इसको सिंपली आपको सभी को ऐड कर लेना है, ठीक है, ऐड कर लेना इस तरीके से, ठीक है। ऐड करने के बाद गाइज आप सभी को करना क्या है, पहले इसको आपको प्रॉपरली साइज को मेंटेन कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी सिंपली ऐड कर लेना, एंड कर लेना डन, ठीक है। एंड यहाँ तक हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, तो गाइज अब जाना है दोबारा से ऐड फोटो में, ठीक है। एंड एक ग्लव्स के पीएनजी लेना है, ठीक है। वैसे हमें गाइज दूसरे वाले ग्लव्स की जरूरत नहीं है, बट हम एक ही ग्लव्स को लगाएंगे, ठीक है। इस वाले ग्लव्स को हटा देते हैं, ठीक है। एंड एक हाथ का ये जो वाला ग्लव्स है गाइस इसको लगा लेते हैं। सो गाइस मैं आप सभी को पहले बता दूं, गाइस हमें ग्लव्स लगाने में थोड़ा गाइस थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा ग्लव्स लगाने में, तो गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो गाइस उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट गाइस आप सभी को वीडियो अच्छी देनी, तो गाइस उसके लिए मुझे यार थोड़ी वीडियो को बड़ी बनानी पड़ेगी। तो गाइस आपको भी ग्लव्स लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो गाइस पूरा टाइम देगा गाइस ग्लव्स को आप सेट करना, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ आप सभी के लिए। सो गाइज हमारे ग्लव्स लग चुके हैं, ठीक है। सो मैं इसको पहले थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ डन, ठीक है। सो हमारे ग्लव्स गाइज पूरे फिट हो चुके हैं, तो गाइज अब हम सभी को अब करना क्या है गाइज, अब हमें लगाना है गाइज पीछे बैक का पीएनजी, ठीक है। सो हम ऐड फोटो में चलते हैं, ठीक है। एंड इस बैक के पीएनजी को ले लेते हैं, ठीक है, एंड कर लेते हैं ऐड। एंड गाइज के बाद सिंपली आपसे करना क्या गाइज, आपको सभी को इस तरीके से आपको इसको सिंपली इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। एंड गाइज जितने भी इसमें बैकग्राउंड पिन जिसे ना इन सबको लगाने के लिए गाइज आपको तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। एंड गाइज नकली नहीं लगाना चाहिए, इसलिए गाइज हमें थोड़ा टाइम लगा करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको मैं सिंपली इस तरीके से थोड़े साइज को ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। बैक का पीएनजी भी लग चुका है, अब लगाने में गाइस गन की पीएनजी, ठीक है। सो उसके लिए हमें दोबारा से ऐड फोटो में जाना होगा, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद हमें गन के पीएनजी ले लेना है, एंड गाइस इसको सिंपली आप सभी को इस तरीके से लगाना है, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से जूम कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गाइस गन इतनी बड़ी तो बेकार लगेगी, तो गाइस हमें गन का साइज़ भी छोटा करना होगा, तो गाइस हम गन के साइज़ को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, सिंपली इस तरीके से, ठीक है। आप सभी कैसे गाइज पहले लगाना है गाइज, ठीक है, आपको पीछे वाला हिस्सा आपके हाथ के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से आपको लगाना है, पहले आप सभी कैसे कर लेना है, ठीक है। एंड इसकी ओपेसिटी को करना है कम, ठीक है। एंड इरेजर टूल में जाके इरेज कर लेना है, गाइस कर लेते हैं इसकी ओपेसिटी को फुल, एंड कर लेते हैं डन, ठीक है। सो एक बार जूम करके देख लो गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद अब कर लेते हैं डन, ठीक है। सो अब हमें यार क्या काम रहेगा गाइस, इसमें अब रह रहा है हमारा थोड़ा सा शेडो का, तो हम शेडो को बनाएंगे गाइस, इसकी ओपेसिटी करेंगे कम, ठीक है। एंड उसके बाद इरेज़र टूल में जाएंगे, ठीक है। एंड इसको इन्वर्ट कर देंगे, एंड गाइस जाएंगे ब्रश वाला आइकन में, एंड गाइस इसके साइज को हम इतना रखेंगे, ठीक है। एंड उसका जूम करेंगे, एंड गाइस अपने पैर के नीचे शेडोज बनाएंगे, हमारे शेडोज पीएनजीज वगैरह सब कुछ लग चुके हैं। तो गाइस अब हमारा एक ही काम रह चुका है, ठीक है। वो रह गया हमारा गाइस कलर करेक्शन, जो कि हम करते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस चलिए चलते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर, फोटो कर लेते पहले ड्रॉ टूल में जाके सेव, ठीक है। एंड चलते हैं बैक, एंड चलते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर।